जी हाँ दोस्तों अभी भी हरियाणा से बड़ी अपडेट आ रही है अभी अभी हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है राशन पेंशन सेवाओं पर लगी है रोक सिकंजा कसा गया है सबके सब, सब फंसेंगे फरवरी से इन सभी की सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और दुष्न चौटाला ने आपसी में बैठकर निर्णय लिया है कई वृद्ध ऐसे लोग हैं जो दो स्रोतों से बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं कि वृद्धावस्था वृद्ध नहीं होने के बावजूद भी वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लिए जा रहे हैं राशन के पात्र नहीं होते हुए भी कई प्रकार का राशन ले रहे हैं हरियाणा में कई लोगों के ऐसे हैं कि उनके गरीबी रेखा वाले कार्ड बने हैं और जबकि वो अपने घर में ऐसा आराम से फोर व्हीलर गाड़ियों से चल रहे हैं फिर भी उन्हें राशन का लाभ मिल रहा है हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने इन्हीं लोगों को देखते हुए कई फैसलों का ऐलान करते हुए कहा है और कहा है कि हमारी सरकार ने तो हरियाणा को एकदम हमारा गाँव जगमग गाँव जैसा बना दिया जैसे हमने बिजली को भी फ्री कर रखा है और वैसे ही हम राशन से लेकर के बुढ़ापा पेंशन भी बढ़कर देते हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन का वो लाभ नहीं लेना चाहते हैं और उनकी वजह से जो गरीब व्यक्ति भी हैं उन पर भी दोहरी मार पड़ने वाली है क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिले लेकिन जो पात्र नहीं हैं उनको भी ये लाभ दिया जा रहा है कई गलत तरीक़ों से ले रहे हैं उनके लिए सिकंजा कसा गया